BYD, build your dreams. काफी पीछे करी वैसे वैसे सीट हाइट भी कर सकते हो वैसे अच्छा टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है अच्छा अरे वाह ब्रेक द मार्क हो गई स्टार्ट हाँ स्टार्ट एसी चला ले सर फुल इसमें है एसी फुल ऑन हो जाएगा अभी अच्छा ये सब कुछ इसमें ऐसे ही कंट्रोल होता है हाँ जी हाँ जी और इसमें ये ऐसे भी घूमता है ऐसे करके घूम जाता है अरे ठीक है दूसरी चीज ये है कि ये मेनली आपको इको मोड पे करने के लिए जैसे स्टैंडर्ड इकोनॉमिकल इसमें सेट रहता है ये सेंसर का आपका जो मूवमेंट है उसको आपको वॉइस चाहिए या नहीं चाहिए उसके लिए है ये ट्रैक्शन कंट्रोल है अगर आप स्लीपरी एरिया पे जा रहे हैं या आईसी एरिया पे जा रहे हैं ये पार्किंग लाइट्स के लिए है ये फैन की स्पीड को ऑटो कंट्रोल करने के लिए अच्छा ये फैन को ऑन ऑफ करने के लिए है ये डिफॉगर के लिए है अच्छा दिस इज द वॉल्यूम कंट्रोलर और वॉल्यूम कंट्रोलर आपको यहाँ पर भी मिलेगा ठीक है यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है फोन अपना यहाँ से मैनेज कर सकते ये उठाने के लिए होगा काटने के लिए सेम से ठीक है जी उसके अलावा आप इंफॉर्मेशन यहाँ से अपना दे सकते हैं बैटरी का एनर्जी का आपका रीजनरेशन वो सारी चीज़ें इसमें दिखाता रहेगा आपकी गाड़ी का स्टेटस दिखाएगा सर्विस कितने दिन में ड्यू है ये दिखाएगा टायर प्रेशर मॉनिटर आपको रहेगा इसके अंदर जो करंट सिचुएशन में माइलेज चल रही है वो आपको इसके अंदर दिखाएगा उसके अलावा ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं आप अपने म्यूजिक इसके अंदर रख सकते हैं एक तरीके से टैप की तरह आप यूज़ कर सकते हो इसको आप अगर ऑफ कोड दोगे तो आप इसमें यूट्यूब भी देख सकते हैं अरे वाह यूट्यूब चला सकते हो जो आपका फ़ोन है एक तरीके से ये सिर्फ आईपैड है ठीक है मस्त है तो इसको आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो यहाँ पर आप अपना टेम्परेचर माइनस प्लस कर सकते हो ठीक है ये फ़ैन की स्पीड को कर सकते हैं ये एयर प्रेशर को फोन लेना है पैरों पे लेना है चीज़ के लिए डिफॉगिंग के लिए okay. ये फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा आप कर सकते हो यहाँ पे ठीक है हाँ जी बढ़िया उसके अलावा इंडिकेटर इस तरफ रहेंगे वाइपर इस तरफ रहेगा मेरा इलेक्ट्रॉनिक भी एडजस्टेबल आप कर सकते हैं और फिर पावर विंडो 100% पावर विंडो ना खोले इस चीज़ के लिए है यू जस्ट प्रेस द ब्रेक और इसको डी पे करना है अच्छा इसमें ब्रेक होल्ड है अब आप गाड़ी चला सकते हो हाँ ब्रेक होल्ड होता है इसमें जैसे मैंने रोक दी गाड़ी तो ये रुकी रहेगी नहीं नहीं उसको पार्क पे रखना पड़ेगा पार्क पे रखना पड़ेगा ओके कितने की सर ये ऑन रोड गाड़ी दिल्ली के अंदर ये आपको 31 लाख रुपीस की पड़ती है अच्छा ये दिल्ली के अंदर टैक्स नहीं लगता है यहाँ से निकल जाएगी ये तो आप सेंसर सुनसर है इसमें नहीं सेंसर नहीं आपको देखना पड़ेगा निकल जाएगी बहुत थोड़ी पार से ही निकलेगी तो निकलेगी इतना चौड़ा नहीं है कितने इनोवा जितनी बड़ी तो लग रही है इनोवा जितनी है बट चलाने में आपको नहीं लगेगी हाँ वो तो सर बैटरी और उसका और ऐसे में घर पे चार्जर घर पे आप चार्ज करते हो 6.6 किलोवाट का चार्जर हम आपको साथ में देते हैं हाँ जी ओवर नाइट 10 आवर्स में आप इसको चार्ज कर सकते हैं 10 आवर्स में फुल चार्ज हो जाएगी फुल चार्ज हो जाती है दूसरे अगर आप बाहर से चार्ज कराते हैं 50 किलोवाट पे तो 1.5 घंटे में चार्ज हो जाती है सर आपने शायद सीट बेल्ट नहीं पहनी है किसी ने पहनी नहीं सीट बेल्ट लगाना वहाँ पे सीट बेल्ट बंद हो जाएगा इसमें पीछे रोज के लिए भी है ना सर हाँ पीछे वाली बेल्ट के लिए भी रहेगा ओके और इसमें रिवर्सिंग पार्किंग कैमरा ये आप ऐसे करेंगे ना ये रिवर्स का कैमरा गाइडेड लाइंस है इसमें ओके 360 डिग्री भी है क्या नहीं 360 ओके और क्या है पार्किंग ब्रेक है आपकी वो तो मैं समझ रहा हूँ हाँ ये आपके चार्जर हैं हाँ ये आपके चार्जर हैं हाँ जी दो USB हैं एक आपका नॉर्मल चार्जर है हाँ जी पीछे भी आपका चार्जर है ओके और कूल ग्लव बॉक्स वगैरह है बट यहाँ पे जो डिफॉगिंग का आपका जैसे हाँ जी आप जैसे उसके अंदर चालू करेंगे डिफॉगर जैसे कि आप सर्दियों के अंदर जब आप यहाँ पे फॉगिंग हो जाता है हाँ तो यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा ओके और क्या कहते हैं स्पेयर व्हील है इसमें सर फुल साइज हाँ सेम साइज है इसमें कोई ड्राइव मोड्स वगैरह नहीं सेम जो इकोनॉमिकल मोड आपका आ रहा है हाँ ब्रेक रीजनरेशन को आप लार्जर स्टैंडर्ड कर सकते हो वो कैसे करते हैं सर ये जैसे आप हाईवे पे चल रहे हो आपको लार्जर चाहिए रीजनरेशन हाँ लार्जर चाहिए मुझे हाँ ठीक है बट हम लोग स्टैंडर्ड पे रखते हैं ताकि गाड़ी का नॉर्मल वे में चलते ठीक है और इको ऑफ करने के लिए कैसे करूँ दबाए रखूँ ऑफ नहीं होगा
ऑफ नहीं होगा, कल चलता रहेगा क्योंकि एवरेज आपको निकाल के देनी। बेसिकली ये सिंगल चार्ज में जो है 520 किलोमीटर क्लेम करते हैं सिटी के अंदर। जी बिल्कुल, अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो फिर वो कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और वी आर यूजिंग द ब्लेड बैटरी, ठीक है। अच्छा, ब्लेड बैटरी जो है वो अभी लॉन्गेस्ट रेंज आपको देती है, वर्ल्ड की सेफेस्ट बैटरी है और सबसे लंबा साइकिलिंग इसका होता है लाइफ साइकिल। अच्छा, इसकी क्या गारंटी वारंटी है बैटरी पे? बैटरी पे 8 साल 5 लाख किलोमीटर की वारंटी आपकी आती है। 8 साल और 5 लाख किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर कोई नहीं देता इस टाइम मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। और गाड़ी का जो वारंटी है वो 3 साल 1,25,000 किलोमीटर आता है। ओके, 3 साल 1,25,000, ये गाड़ी का वारंटी है, जो गाड़ी की वायरिंग वगैरह जितना भी है। और सर्विस वगैरह कितनी कॉस्ट लगती है सर इसकी? सर्विस में सर देखो, इसके अंदर आगे इंजन तो है नहीं, तो इसमें जो है ब्रेक ऑयल आपका टॉप अप होता है, आपका जो आपका BMS का एक कूलेंट है और एक बैटरी का कूलेंट है वो टॉप अप होता है, तो उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अगर आप 2 साल 40,000 किलोमीटर में आपको चेंज कराना होता है 2-3,000 रुपये खर्चा। बाकी ये गाड़ी डायग्नोस होती है टाइम टाइम पे, इसे जैसे आप फोन को डायग्नोस कराते हैं वो आपको कराना। 10 घंटे लगते हैं लेकिन फुल चार्ज घर से करें तो हम नहीं, घर में आप अगर आपके पास 3 फेस है तो आप हैवी चार्जर भी लगा सकते हो। हाँ जी, तो हैवी चार्जर आप 22 किलो वोल्ट लगा लो, 3.5 घंटे में चार्ज कर लो। वो कितने की कॉस्टिंग आती है उसकी? वो आपका तकरीबन 1.25 लाख रुपए, 1 से 1.25 लाख रुपए की कॉस्टिंग है। अलग अलग रेट्स में आपको बाहर अवेलेबल हो जाते हैं, ऑनलाइन परचेस करते हो। और क्या इसकी बुकिंग अमाउंट है, अवेलेबिलिटी? अभी सर आप 11,000 रुपए से बुकिंग करा सकते हो इसकी। और अवेलेबिलिटी वाइट कलर आपको मिल जाएगा अभी, तुरंत मेरे को दे देंगे तुरंत, मतलब विद इन 1-2 वीक्स, मतलब अरेंज आपको बुकिंग पहले करानी पड़ेगी, हम आपको अरेंज करके दे देंगे। उसके अलावा ब्लैक में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने सुना था सिर्फ कमर्शियल में मिलती है गाड़ी, ये पहले B2B के अंदर ही आई थी। बट B2B के अंदर अच्छा रिस्पांस आने की वजह से B2C की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आ गई, तो इसलिए हमें B2C भी स्टार्ट करना पड़ा इसका। ओके, अभी B2C में हम तकरीबन 50 से ऊपर गाड़ियां बेच चुके हैं। ओके, बाकी BYD जो है ऑलरेडी 40 ईयर से ब्लेड बैटरी के ऊपर ही वर्किंग कर रही है। अच्छा, और अभी मेनली क्या है कि टेस्ला को भी यही बैटरी बना के दे रही है ना, राइट? मतलब टेस्ला नंबर वन है इलेक्ट्रिक में, बट सब कुछ देना इसी ने, और ये सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड में। क्या टॉप स्पीड है इस गाड़ी की? इसमें सर कैपिंग लगाई हुई है अभी, 130-135 के आसपास, इससे ऊपर आपकी नहीं जाएगी। क्योंकि देखो अभी क्या है, अगर आप नॉर्म्स को फॉलो करते हैं BA6 के अंदर में, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार से ऊपर कोई भी रोड आपको नहीं दे रहा। हाँ जी, तो है। उसको मैनेज करने के लिए ये चीज कही गई है। फिर उसके अलावा क्या है कि आपकी एवरेज को भी मेंटेन करना है। बिल्कुल, तो उससे ऊपर ये नहीं जाता। तो इसमें अभी ट्रिप मीटर सेट कर सकता हूँ क्या? मेरा वो कुछ बताएगा मुझे कि कैसे मैं चला रहा हूँ? अभी आप देखो, आप 69-68 है, 340 किलोमीटर अभी इसमें और चला रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ट्रिप सेट करना है तो यहाँ से आप जीरो कर सकते हो। एक मिनट। हाँ जी, ये जीरो हो गया। हाँ ठीक है, ये ऑडोमीटर रीडिंग आ गई, ये आपका ट्रिप है जी। तो इसमें ये बताएगा हमें कि मतलब जैसे मैं चला रहा हूँ सबसे रेंज? आप कैलकुलेशन में बताता हूँ आपको, हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, अगर आप 68 को x5 करोगे तो लगभग इतना ही आएगा, 340 किलोमीटर। तो आपका 1% लगभग 5 किलोमीटर चलती ही चलती है। ओके, सिटी में। अच्छा, मतलब हाईवे पे जाएंगे कंजम्पशन ज्यादा होगा। और फिर अभी क्या है ना, अभी इतनी गर्मी में आप चला रहे हो, फैन भी नहीं, AC तो इसका अच्छा है। AC तो मैं बैठा, अभी मैं ठंडा हो गया। अच्छा, AC अच्छा है इसका, आप चला के भी आ रहे हैं तो उस वजह से भी तो ठंडा है। आपको बताता हूँ मेनली क्या है ना, इंडिया में सबसे पहले पूछते हैं कि भैया ये सब तो ठीक है पर देती कितना है। तो जब देती कितना है तो फिर पहले वो कॉन्सेप्ट को रखना है, फिर आपको स्पेस दिया जाएगा, फिर आपको सेफ्टी दी जाएगी। ये भी है, आप अगर ये 5-star रेटेड गाड़ी है। हाँ जी, गाड़ी अगर आप देखते हो तो बहुत हैवी गाड़ी है, 2,000 किलो की गाड़ी है ये। अच्छा, हाँ जी, हाँ लग रही है, जिसके स्टेयरिंग में थोड़ा तो है हेफ्टी। और इसका कैमरा ही बहुत अच्छा है, काफी क्लियर है। ये जो 40 पे जा रहा है ये बार बार, ये 60, मुझे लगा ये स्पीड है, किलोवाट्स है। हाँ, ये किलोवाट्स जा रहा है, वो स्पीड है। तो इसमें कितना वो है, क्या कहते हैं, एक सेकंड सर।
हाँ मैं तेरे घर के बाहर ही हूँ आज। हाँ तो क्या बोल रहा था, हाँ ये 140 तक ये बेसिकली देखो ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये एक तरीके का आरपीएम मीटर। हाँ जी ठीक है, इसको आप जितना हार्ड प्रेस करोगे ये उतना ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। ओके ठीक है, आप जितना इसको नॉर्मल इस जो ग्रीन वाले तक रखोगे एवरेज हाँ। बहुत अच्छी आएगी, 550-600 किलोमीटर भी आपकी गाड़ी निकाल लेगी अगर आप उसको मेंटेन करके चलोगे तो। नहीं ये बेसिकली तो मैं तो देखो इसके ऊपर इनोवा रिप्लेसमेंट देख रहा हूँ मैं एक तरीके से ना, ये किस चीज का इनोवा की रिप्लेसमेंट सिटी में या मतलब देखो आप शॉर्ट हाईवे रन्स, सिटी में आप चल रहे हो या आपने 200-250 किलोमीटर का रन लेना है तो इनोवा को आप चलाते हो तो कम से कम 14-15 रुपए के हिसाब में आपकी वही वही बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये पी दबाऊंगा तो अपने आप ब्रेक हैंड ले ओके ठीक है, इसको आप चलाते हो तो तकरीबन 1-1.25 रुपए किलोमीटर का हिसाब है तो कम से कम 10-12 रुपए का फायदा होगा हर किलोमीटर पे। सर एक टेस्ट ड्राइव करा रहा था, भी करता हूँ आपको कॉल। सीपी में हाँ है शायद वहां पे आप, सर ना मैं बता रहा हूँ टाटा का ना ऐप डाउनलोड करोगे ना उसके अंदर आप जा, अच्छा तो सीपी में तो है सर, सीपी में तो काफी लगे हुए हैं, सिटी में आप कर सकते हो। एक मिनट मैं चेक करके बताता हूँ कहाँ पर लगा हुआ ठीक है, नहीं तो आप अगर उस पे अगर आप उस पे करोगे तो उस पे भी आएगा आपका 50-60 किलोवाट सीपी में दिखा रहा है। अब सीपी में वो रोड का नाम जो है वो मुझे नहीं पता, इसमें रेयर पैसेंजर्स को ही पहननी होती है सीट बेल्ट। सर मैं एक टेस्ट दे मैं सर पहन लीजिए सीट बेल्ट, मैं फिर करता हूँ आपके लिए हो सके। ये भी इसे मुझे काफी कूल लगा, ऑल्टीट्यूड बता रहा है ये मुझे और हमेशा डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा इसमें ऑटो हेडलैम्प्स भी है सर? ऑटो हेडलैम्प्स भी है। एलईडी हेडलैम्प्स है ये? नहीं नॉर्मल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है आपके और आपकी डे टाइम रनिंग लाइट आपकी ऑन रहेगी इसके अंदर और प्लस 4 एयर बैग्स आपको आगे फ्रंट में मिलते हैं। अच्छा कम्प्लीटली गाड़ी में कितने एयर बैग है? 4 एयर बैग है। उसके अलावा रिमोट से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, गाड़ी को अपने घर में से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हो, इसका एसी ऑन, एसी ऑन हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया है। और इसके एयर वेंट्स की लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, ये मेरे स्टेयरिंग के बीच में नहीं आ रहे, जनरली ना गाड़ी में स्टेयरिंग के बीच में ही वो आता रहता है एयर वेंट, इसमें एक नीचे एक साइड में है, पीछे कैसा है सीट देख, एयर फ्लोर लगा अपना फुल, ब्लाइंड स्पॉट इंडिकेटर या ऑटोनॉमस जैसे कोई फीचर्स नहीं है ना इसमें? ये बिल्कुल सिंपल रखी गई है गाड़ी। हाँ बेसिकली मेन पर्पस वही है कि आपको स्पेस, आपको रेंज और आपको जो है इसके अंदर बिल्ड बोल्ट, ये आपके मेजर पार्ट है। 5,08,000 की तो इसकी बैटरी वारंटी है ही। हाँ कोई नहीं देता इस टाइम मार्केट में, बिल्कुल इस इतनी बैटरी के लिए ना अगर आप किया के अंदर जाते हैं तो तकरीबन 65 लाख रुपए आपको खर्च, वो भी उसमें भी सब नहीं है भैया, हॉर्न भी इसका बहुत तेज है, बढ़िया है। इसमें रेडियो वगैरह कैसे सुन लूंगा मैं? तो स्क्रीन भी बहुत इंप्रेसिव, इतना स्मूथ है ये, आईपैड फेल हो जाए इसके आगे। अच्छा यहाँ से वो ब्लूटूथ मांग रहा है, ब्लूटूथ के जी जी ओके। अच्छा इसमें सॉरी मेरी फोन चाहिए तो, अरे भाई तू भी जा है तो भारी, एक बार ना मतलब जब आप चलाते हो तो पता लगता है थोड़ी पास करी है वैसे जी, बहुत स्मूथ है एकदम मक्खन। इसमें मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इसमें कितना वो होगा इसकी इलेक्ट्रिक मोटर से जो हमें आएगा
हॉर्स पावर फिगर एक तरीके का। पावर आउटपुट देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पीएस में कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 96 पीएस ही जनरेट करके देता है आपको, बट ये किलो वोट है मोटर का पार्ट है, इंजन पावर जनरेट करता है। अगर आप इंजन की पावर करेंगे तो तकरीबन 215 पीएस के आसपास इस तरीके की पावर आती है इससे, क्योंकि डायरेक्ट मोटर से आप पावर ले रहे हैं, इसमें कोई आप जनरेट नहीं कर रहे। आपने एक जैसे कि आप घर का एक इन्वर्टर है, आपने उसे इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया और पावर को कंज्यूम करके रखे हैं, अब उसको आप खर्च कर रहे हो, तो आप खर्च किस तरीके से कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन ज़्यादा कर रहे हो तो ज़्यादा जाएगा, फैन की स्पीड कम करोगे तो भी आप बचा के चलोगे, ठीक है। और बेसिकली लाइट्स जो वाली आपकी देनी है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इसको ओवरऑल मिला के ना आपको सारा पैकेज दिया है और लॉन्ग रेंज की गाड़ी बनाया है, जो कि सबसे बड़ी नीड है आज की डेट में। सर पीछे गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं ठीक है, नहीं ठीक तो है, बट देखो हवा शवा आ रही है, टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस से बाहर का, बिल्कुल बिल्कुल हवा आ रही है ना। हाँ, पीछे है ना वेंट, एक ही वेंट है ना, बाकी एक वेंट है, बाकी ये वाले वेंट आपको कवर कर लेते हैं पीछे, तो एक डायरेक्ट हवा के लिए तो एक है, बट वैसे गर्मी नहीं लग रही। गर्मी तो नहीं लग रही ना, क्योंकि मैंने अभी वो जीप मेरिडियन चलाई थी उसमें मुझे गर्मी लग रही थी। इसमें नहीं, इसमें तो आप कम करोगे, देखो अभी थोड़ी देर में हाथ ठंडे हो जाएंगे। बल्कि इसका काला इंटीरियर फिर भी इसमें मेरे को गर्मी नहीं लग रही, जबकि काले में भैया बहुत गर्मी होती है, मतलब मैं प्रेफर नहीं करता। इसमें चेंज कर सकते हैं इंटीरियर का कलर? देखो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, आप आउटसाइड से करा सकते हो, मतलब मैं ही कराऊंगा, कंपनी यही देती है, कंपनी आपको ये गाड़ी दे देगी, इसमें आप जो मर्जी करो। तो 31 लाख में मेरे को जब दिल्ली रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी, अगर यूपी लेनी है तो 3 लाख रुपए ऊपर चला जाएगा। ओह अच्छा, 10% टैक्स है। अच्छा तो दिल्ली से ही लेने का फायदा है। ओके सीट बेल्ट है, हाँ बीच मिडिल पैसेंजर तो कोई है नहीं, वो बेचारा बैठेगा तो सबसे पीछे नहीं, यही बीच में बैठ जाएगा वो, इतना वजन होगा कम से कम 8-10 किलो से ऊपर होना चाहिए। हाँ 15 किलो का तो होगा, फिर तो चाहिए होगा, फिर सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी उसकी भी। नहीं वो फिर देखो किस एंगल से बैठते, क्योंकि देखो वजन प्रेशर जहाँ पे दिया है ना उन्होंने, हाँ जगह पे मेन प्रेशर, अगर वो आगे टांग करके बैठा जैसे उसके ऊपर डिपेंड, वो तो घूमता रहेगा कायदे में, तो देखो अगर वो चीज है तो कुछ भी होता है तो वो भी आगे जाएगा, ब्रेक सडन ब्रेक लगेगी तो होना तो उसके लिए भी चाहिए। और कितनी बूट स्पेस है इसकी? 580 लीटर। Oh my God, बहुत अच्छी और फुल साइज स्पेयर है इस गाड़ी में ना? फुल साइज स्पेयर है, 17 का अलॉय है, 17 का स्पेयर है। ओके तो अभी कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हैं सर? अभी आप इनोवा? हाँ इनोवा भी है मेरे पास अभी, वैसे मैं डेली तो होंडा से चला रहा हूँ। मेन पर्पस क्या है कि अगर आप इनोवा चला रहे हो तो आप 12-13 रुपए किलोमीटर से ज्यादा उसके लगा रहे हो, इसमें आपको सिर्फ 1 से 1.5 रुपए, मतलब अगर आप महीने का चल रहे हैं 4-4.5 हज़ार किलोमीटर, बहुत अच्छा पैसा इसमें बचा। नहीं इसमें तो एक बार लगा दिया वैसे वैसे ही हिसाब है, हाँ क्योंकि फिर पेट्रोल नहीं देखना, डीजल नहीं देखना, गाड़ी में कहीं कुछ नहीं करना है, ना कोई आपको एक्स्ट्रा लगाना है, ना सर्विसिंग पे कोई खर्चा है, हाँ बस जो खर्चा है वो टायरों पे खर्चा है, बस इसका चलाने के ऊपर है, रेंज कैप है बस इसमें। अभी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो चुका है, आपको बहुत अच्छा है तो मैं मानता हूँ, बट इतना मेरे पास एक्चुअली क्या, देखो मेरे पास रेंज है 500 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर नहीं बोल रहा हूँ, 500 तो बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत होता है 500, आप यहाँ से जयपुर जाके वापस भी आधे में आ जाएंगे। नहीं 550 यहाँ से कसौल का रास्ता है, अभी मैं लेके गया था गाड़ी, तो रास्ते में आप चार्ज कर लो, रास्ते में अगर हाँ रुके तो चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट इसमें जा सकते हो। आप ऐप डाउनलोड करो, टाटा का है, एसएल का है, हाँ। और चार्ज जोन का है, हाँ जी, दुनिया हाँ भर के ऐप है, आप उन पर ट्राई करो, आपको आसपास चार्जर जरूर मिलेगा। ओके नहीं तो वैसे भी तो 550 की तो रेटिंग है ना इसकी? हाँ हाँ 550, देखो मैं आपको बताता हूँ, हम लोग 500 बोलते हैं, ठीक है सिटी के अंदर, ठीक है 520 कंपनी बोल के चलती है, ठीक है सिटी के अंदर, ठीक है ना, जैसे अभी आप चल रहे हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या रहता है, ये
इसमें सिर्फ यूट्यूब भी चलता है, वीडियो भी चलती है, ये पूरा टैबलेट है। ये देखो आप जैसे ब्रेक लगा रहे हो तो रीजनरेशन हो रही है, ब्रेन इधर जा रहा है, अब जब एक्सीलरेट करोगे तो इधर जा रहा है। जी माइलेज में क्या बताएगा हमें? माइलेज तो एक सर्कुलेशन जो पहले से चला रहा है वो पूरा बताता है। तो ये आप देखिए, जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे या एक्सीलेटर को छोड़ेंगे तो वो रीजनरेशन करना स्टार्ट करेगा, तो आपकी कोई भी पावर वेस्ट नहीं जाएगी। तो इसमें ब्रेक्स भी इतने कम लगेंगे, ब्रेक्स भी कम घिसेंगे? हाँ वो तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप देखो ड्राइविंग आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको ब्रेक लगानी है तो ब्रेक लगानी ही है। कुछ एनर्जी तो थोड़ा तो कम ब्रेक लगेगा ही लगेगा हमेशा, यूसेज जहाँ तक वो ले सकता है एनर्जी वो अपनी पूरी ले रहा है। अब आपको लगता है इसको ओवरटेक कर लेंगे? आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर है काफी एक्सीलरेशन। ये 300 तक क्यों नहीं जा रहा? ये जो बूस्ट और ये सब लिखा सर, है इतना अगर पूरा जाएगा तो फिर तो आपको मिल गई एवरेज। नहीं बट ऐसा भी होता है ना कि मतलब कई बार एवरेज का सोच नहीं रहे, होता है बट देखो सर अब ये चीज बनाई गई है बट हाँ। अगर आप उसको सोचे कि बिल्कुल चला जाए 300 तक जाए तो फिर उधर कुछ नहीं निकालेगा ना वो, बट दे रखा था ना मुझे सब कॉम्बिनेशन है सर, सब कॉम्बिनेशन के हिसाब से चल रहा है। आप अभी मैंने तो देखो ऐसा है, मैंने तो 240 तक का भी दिया हुआ है बट मैंने कैंपिंग 130 पे लगाई हुई है। अच्छा इसमें हम सब सेट कर सकते हैं ये सब? नहीं नहीं ये आप कंपनी के, ये सब वहां से सिस्टम के थ्रू होता है। इसमें पावर मोड भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते ना, बस ऑन करो गाड़ी चलाओ। आप देखो आप इतनी 2000 किलो की गाड़ी चला रहे हैं, आपको अंडर पावर लग रही है गाड़ी कहीं भी? नहीं अंडर पावर तो कहीं से नहीं, सब कुछ मैनेज किया है। आपको एवरेज भी चाहिए होगी, आपको पावर भी चाहिए होगी, आपको स्पेस भी चाहिए होगा, रेंज भी चाहिए होगी, तो सब चीजों को कंबाइंड किया गया। अब देखो आप वही यार, मैं तो ऑफ रोडिंग करने जा रहा था, अब कहाँ जा पाएंगे हम ऑफ रोडिंग की जरूरत पड़ती नहीं है सर। अगर नहीं मैं इसकी सस्पेंशन देख रहा था, इतने अच्छे लगे मुझे सस्पेंशन, बहुत अच्छे हैं। अभी आप ऐसे ऐसे भी चलोगे तो भी सस्पेंशन चेक, मुझे वही देखो बॉडी रोल भी ज्यादा नहीं लग रहा, और इवन स्पीड ब्रेकर्स पे इसी के ऊपर आपको सस्पेंशन पता चल जाएगा। थोड़ा तेज लो, ये देखो 30-40 पे हां बहुत अच्छा सस्पेंशन है इसका, इतना इनोवा का नहीं है मैं बता सकता हूँ तेरे को 100% चलाएगा। राइट लेगा एसी भी इतना बढ़िया इफेक्टिव है इसका, मतलब बिल्कुल लग नहीं रहा इलेक्ट्रिक कार में हूँ या टेंशन हो कि अभी जो अभी रेंज खत्म होगी मेरी। सर की हाइट काफी अच्छी खासी, देखो कितना आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर इसी में अगर आप ZX-EV में जाएंगे या किसी और कार में जाएंगे तो स्पेस का कंसर्न आएगा 100% स्पेस में तो मतलब कोई कंपैरिजन, स्पेसियस तो बहुत है और सक्शन बहुत पीछे आगे बैठते हैं। हां वही कितना मेरा कितना गैप है देखो, अभी बैठो मैं ना सिक्स ना, मैं भारी है यार, दरवाजा बंद करता तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड है। अच्छा पीछे एक ही वेंट है, ओके मुझे लगा ईच फॉर वन पर्सन मेरे को लगा, नहीं फिर तो बीच में रखेंगे ऐसे थोड़ी ना। सर दिल्ली के रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? दिल्ली का एक एड्रेस प्रूफ चाहिए ना, आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड चाहिए किसी का? किसी का नहीं, जिसके नाम से रजिस्टर होगा। अच्छा उनके जो आधार कार्ड पे दिल्ली का वो होना चाहिए एड्रेस। देखिए गाड़ी आप अगर कैश में उठाते हैं तो आप किसी के भी आधार कार्ड पे ले सकते हैं, कैश मतलब आपने उससे पूरा पे करना है। अगर आप लोन कराते हैं तो जिसके नाम से लोन होगा उसी का आधार कार्ड चाहिए। अच्छा अदरवाइज आप अगर मर्डर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फिर आपको अथॉरिटी का पे करना पड़ेगा, वो तकरीबन 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। ओके सो नोएडा में मुझे ये 34-35 की पड़ेगी, 34 की पड़ेगी, 31 लाख डॉट है इसका ऑन रोड प्राइस। हां उसके अंदर मैं आपको 6.6 किलोवाट का चार्जर दूंगा। ओके घर पे जो लगेगा वॉल माउंट चार्जर,
और ऐसा ऑप्शन है कि हम आपको मना कर सकते हैं कि हमें मत दो वो चार्जर। चार्जर मतलब 45,000 रुपए माइनस। 45,000 रुपीस। आप बाहर से ले दो चार्जर, कोई दिक्कत नहीं। तू तेज भी लेगा ना स्पीड ब्रेकर के ऊपर से, देखो फर्क पता लगेगा। जो हम नॉर्मल गाड़ी में हम हल्की करते हैं ना कि छू ना जाए या बाउंस ज्यादा आ रहा है, वो कितना ज्यादा इसके अंदर मैनेज्ड है। चीज़ ये देखना कि नोएडा में ब्रेकर के साइज बड़े ऊपर नीचे। हाँ जी, तो एकदम से लोगे तो छू सकती है। कितनी है सर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस? 170 है। 170 है, बट ब्रेक रिस्पॉन्सिव बहुत है। वो तो यार रीजनरेशन ब्रेकिंग होती है ना, तो आधा तो रीजनरेशन में चला जाता है ब्रेक, फिर वो एंड में लगता है जरा सा, जो रीजनरेट नहीं कर पाता वो उसमें लगता है। पीछे भी मतलब अभी मैंने पीछे पीछे हवा आ रही है, मैंने भी नोटिस किया जब धूप आ रही थी ना तो थोड़ा गर्म लग रहा था। हाँ। बट ब्लोअर मैंने हल्का किया हुआ था, कॉन्स्टेंटली हवा आ रही है तो ठीक लग रहा है, मतलब बस मतलब समझ लो गर्मी नहीं लग रही वही, ऑल्दो वो हीट लग रही है जब धूप लग रही है डायरेक्ट, तो बट गर्मी नहीं लग रही। वो तो यार एक वेंट है ना पीछे और इतना तो रहेगा ही यार, हर चीज तो नहीं मिलती। बाकी सीट भी अच्छी है इसका, पूरा अंडर साइज थोड़ा कम है, बाकी तो अच्छी सॉफ्ट सीट है, अच्छी है, स्पेशियस है। इसमें ये नहीं दिया बीच में हैंड आर्म रेस्ट, हाँ क्योंकि वो हम पा जाएगा फिर पीछे। जी भक्ति है ना। इसमें कोई छोटी गाड़ी नहीं आ रही BYD को बोलिए। देखो ऐसा है, जो शुरू शुरू आदमी जब आप कोई टेक्नोलॉजी को परचेस करोगे ना जी, तो वो आपको महंगी लगेगी। दूसरी चीज क्या है, ये गाड़ी जो है इसमें बहुत सारे पार्ट्स इम्पोर्ट होकर के आ रहे हैं, तकरीबन 45% है। ओके, तो आप ये मान के चलिए कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए इस गाड़ी के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा होता है कंपनी का जी, तो वो आपके ऊपर लोड अभी नहीं डाल रही है। अच्छा, ये गाड़ी इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, ये असेंबल हो रही है। असेंबल हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग का तो मतलब ये था कि 100% यहीं पे बने। हाँ जी, बट इसके बहुत सारे अभी जो पार्ट्स हैं, मतलब 60-40 का जो रेशियो है, हाँ जी, उसमें 40% अभी इम्पोर्ट होकर गया। ओके, कंपनी अपनी सीधी टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहती, वो ये सब तो बनवा रही है, बट जो मेन टेक्नोलॉजी है वो वहीं से करती है। ओके, अभी वो धीरे धीरे चल रहा है इनका, तो इसकी सर्विस जो होगी सर वो मेरे को दिल्ली आना पड़ेगा। ओखला, ओखला में आप भेज सकते हैं, अदरवाइज अगर अभी तो क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे घर पे ही वो आ जाते हैं। हाँ। यहाँ पे सिर्फ लैपटॉप लगाया और यहीं से भेजा। ओके, वो तो डायग्नोस करना है उसको, बेसिकली कुछ भी नहीं करना और। हाँ। डायग्नोस करना है या सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उसकी क्या चार्जेस देते हैं? अभी फिलहाल तो ऐसे कोई चार्जेस है नहीं, फ्री अभी के लिए भी चल रहा है, बाकी आगे कंपनी डिसाइड करेगी, बट बहुत ज्यादा नहीं होगा, 4-5 हज़ार रुपए के अंदर अंदर ही होगा। ठीक है, मेरे को लगा कि आपका ध्यान पीछे गया और वो उसने ब्रेक पूरे लगा। मैं दोनों को देख रहा था, पीछे वाले को भी देख रहा था, आगे वाले को भी देख रहा था, उनका भरोसा है यहाँ पे। हाँ, कुछ भी करना है यहाँ, कुछ भी होता है, उल्टे सीधे आ जाते हैं यहाँ पे, देखो ट्रोला आ जाते हैं। सर आप तो ओखला से आए हैं? जमुना पार, बट हमने हमने अभी 3 महीने यही निकाले हैं, अभी हम जीप से मेंटेन कर रहे थे तेरे सर से। हाँ, तो वो अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं नहीं भाई, एक ब्रांड एक ही जगह एक ब्रांड ही रह सकते हैं ना। हाँ, अभी हम अलग ब्रांड के लिए हम इतना खर्चा करके शोरूम बना रहे हैं, तो अगर ऐसे काम चल जाता तो चला सकते थे। फिर हमने शोरूम बना लिया है ओखला में। हाँ बस अपना पूरा है, आपको अगले महीने तक पूरा कंप्लीट शोरूम, हम डिलीवरी कर रहे हैं जी।
इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ना, यही है ना गाड़ी, एक ही गाड़ी है ना, एक ही गाड़ी है, इसमें ज्यादा सोचने विचारने वाली बात नहीं है। वो मारुति की तरह की ये म्यूजिक सिस्टम लगा दिया तो मॉडल दूसरा हो जाए, वो सब नहीं है ना, एक मॉडल है 31 लाख का, बस खत्म बात। और इसमें डोर लॉक कैसे करते हैं सर, उसका कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब जैसे कुछ बटन होता है या कुछ खोलने का मैकेनिज्म होता है? जैसे आप चलोगे 10 की स्पीड पे लॉक हो जाएगा। हाँ जी, वहाँ से आप उसको डबल प्रेस करोगे तो ओपन हो जाएगा, अदरवाइज वहाँ से अनलॉक होगा। ओके, डबल प्रेस मतलब आगे को? नहीं नहीं, जो वो हैंडल है उसको दो बार खींचेंगे तो खुल जाएगा, क्या कह रहे हैं। तो बेसिकली फ्रंट दो एयरबैग्स हैं और दो कर्टन एयरबैग्स हैं इसमें। हाँ हाँ, बाकी निठारी से भी ले सकता है क्योंकि वहाँ से भी मतलब वो रोड वोड है। मैं चलाऊँ क्या? रोकना है यार, लेफ्ट में रोक दे। पैसेंजर के लिए भी इसमें सीट बेल्ट है। तो सर इसमें ये 5 सीटर ऑप्शन ही है ना बस? इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है सर? नहीं नहीं, ये चार्जिंग का सिर्फ पॉइंट है, वायरलेस चार्जर अगर आप परचेज करते हो तो बाहर से। हाँ, तो एसेसरीज पार्ट से आप लगा सकते। ये मोड से क्या होगा? कौन सा? इको और ये स्नो दिखाओ क्या चीज़ है ये? तो सर वो है स्लिपरी एरिया पे आप जाते हैं ना, उसके लिए ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ। नहीं तो इसमें शायद ज़्यादा पावर देगा, क्या पता। नहीं नहीं, नहीं? ऐसा कुछ नहीं जाएगा, वो टायरों का कॉम्बिनेशन। हार्ड सरफेस कर देंगे। आप मेरे को 68 पे गाड़ी दिए थे ना ये? हाँ। अभी मैंने इसको 62 तक कर दिया। सीट तूने सीट बेल्ट नहीं पहनी? ग्यारह किलोमीटर ही मैंने तो 62 तक कर दिया। वैसे अगर नॉर्मली चलाता तो ऑब्वियसली मतलब बहुत ज़्यादा एवरेज आती। अभी इसकी पावर कंजम्पशन अगर आप टेस्ट ड्राइव में देखना चाहते हो कि भाई कैसे चला रहे हो, उस हाँ, तरीके से आप निकाल सकते हो। एसी ऑन है, फिर दूसरी चीज़ है कि टेम्परेचर 45 डिग्री के अंदर आपकी गाड़ी चल रही है, तो उसको ठंडा करने के लिए एयर का फ्लो पूरा खुला हुआ है। इसमें इल्यूमिनेशन है सर? इसमें काफ़ी बड़ा है ये भी। इसमें है वैसे लाइटें वगैरह? बिल्कुल सिंपल रखा गया, लाइटें बढ़ा हुआ तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे मैंने लाइट का काम बढ़ाना शुरू किया हाँ, वही कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये मेन चीज़ है। एयर क्वालिटी का भी कुछ आपको आपकी गाड़ी चलाने के लिए लगभग हर चीज़ दी जा रही है। अब आप उसमें एडवांस लगाएंगे, जैसे मान लो आगे की लाइटें चेंज कराएंगे या इल्यूमिनेशन लगाएंगे, तो वो लोड कहाँ आएगा? बैटरी पे आएगा, बैटरी पे आएगा, बैटरी पे आएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा बढ़ेगा, इसीलिए इस गाड़ी को इतना सिंपल रखते हैं कि आपको कोई चीज़ की कमी भी ना हो और आपको पूरा एवरेज भी मिले। पहाड़ों पे तो कोई दिक्कत नहीं होती सर इसको ले जाने में? ये सर ये इस ये वाला आइस वाला क्यों दिया है? ये चली जाएगी स्नो में चलेगी? अरे अभी सर अभी कस्टमर लद्दाख हो गया है, इसी से वो आए थे वीडियो वीडियो बना करके एकदम। तो उन्होंने कहाँ चार्ज किया था इसे? काफी जगह पे है, यहाँ से जैसे चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से ऊपर जब शिमला गए, हर जगह पे चार्ज हो रहा है। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी रेंज तो कम होगी ना? टेम्परेचर तो घटा ना वहाँ पे जाने के बाद तो। हाँ वही तो। तो ये एसी का फ्लो कम हो गया हाँ। एसी लगभग ना के बराबर चला, यूटिलाइज हो गया। नहीं अगर माइनस में जाते हैं जब पहाड़ से वापस आ रहे हो तो सारा रीजनरेशन हो रहा है हाँ। तो एवरेज अपने आप निकल के आएगा।
तूने वहाँ पे तो ये 600 के आसपास निकालती है। अच्छा इसे सस्पेंशन और इसकी रेंज और एसी तो इसका बहुत इंप्रेसिव है। मतलब ये मैं आपको 45 डिग्री के अंदर एसी दिखा रहा हूं। हां वही तो, यही अगर मैं सर्दी में दिखाऊंगा तो शायद आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। वही तो ये तो वही सर गाड़ी का अब अभी गाड़ी 2 महीने के अंदर बहुत अच्छी खासी चल चुकी है। कितनी चल गई सर ये गाड़ी? ये सर कम से कम 10-15 हज़ार के आसपास। 10-15 हज़ार किलोमीटर चली हुई है गाड़ी? बहुत कम से कम चल गई तो अभी गाड़ी मुंबई से आई है चल के। अच्छा टेस्टिंग पे गई हुई थी गाड़ी मुंबई से चल के आई है और फिर अभी ये परसों जयपुर होके आई है। अच्छा अभी कल अलवर होके आई है रात में। अच्छा 2 बजे वापस आई है। अरे वाह रनिंग बहुत ज्यादा है गाड़ी की इसकी और कहीं भी ऐसा नहीं रहा है कि गाड़ी को रोकने की जरूरत है। दूसरी चीज है हर जगह पे इसको चार्जर अवेलेबल मिले। ओके कोई दिक्कत नहीं मिल उसकी कि भाई चार्जिंग की? सबसे बड़ा इशू यही है ना। हाँ सबसे बड़ा कोई इशू नहीं है सर, गवर्नमेंट सुनो ये मैं आपकी बात मान रहा हूँ। आज की डेट में गवर्नमेंट ने ना एक तरीके से जैसे आप छोटे इन्वेस्टर हैं ठीक है, छोटे इन्वेस्टर में क्या करना कि पीछे आ जाओगे, छोटे इन्वेस्टर है ना आप तो आपको क्या करना है, आप पेट्रोल पंप खरीदते हो ना बहुत जगह चाहिए होती पैसा चाहिए होता है, या आप एक इलेक्ट्रिसिटी का पेट्रोल पंप ले रहे हो आप खुद का लगा लो चार्ज जरा से जगह दे दो और पॉइंट दे दो, उसके बाद आप जो यूनिट आपको 5 रुपये 10 रुपये पड़ रही है वो 20 रुपये यूनिट में बेचो। सही में तो ये लोग कमा रहे हैं। ये करता हूँ मैं भी, ये भी बढ़िया आपने है ना, ये भी बढ़िया चीज़ है। आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके अपना अपडेट कर देना कि भैया मैंने एक चार्जर मंगवाया। हाँ, इस जगह पे आके लगा ओपन करेंगे या फिर जिस कंपनी का आप ले रहे हो टाटा का ले रहे हो या फोटोन का ले रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपका अपडेशन दे देगी, तो उसमें क्या है लोग आएंगे चार्ज करेंगे पैसा देंगे और आपको कुछ खड़ा भी नहीं होना है, कोई मैन पावर का इस्तेमाल भी नहीं है। वो सबसे बेस्ट पार्ट वो है कि भाई इन्वेस्ट किया फिर घर बैठ गए जो आ रहा है खाएंगे उससे। हाँ पर उसका टेक केयर आपको करना है टाइम टाइम पे। वो तो सर हर चीज में थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है इतना तो, मतलब वो है जैसे पेट्रोल पंप पे आपको रोज जाके बैठना पड़ेगा कि भाई कोई पैसे दे रहा है कैश में किसी ने निकाल लिया सब पेटीएम वेटीएम इस तरीके की चीजें हैं तो ज्यादा। तो इसमें फ्रंट वो है बूट जैसे नहीं, फ्रंट बूट एक्चुअली कहता है इतना बूट देने के बाद फ्रंट पे बूट देने की जरूरत नहीं है। नहीं मतलब जगह है उसमें ठीक हाँ। है फ्रंट बूट नहीं है, जो उसने किया ने भी दिया है हाँ, वो तो नाटक है वो तो खाली डब्बा है खाली, वो डब्बे में आप क्या पेपर रखोगे तो किसी को पेपर निकालने सर कहाँ 65 लाख की गाड़ी मतलब शुरू जो हो रही है और ये कहाँ 31 हाफ प्राइस पे सर उसके और ना रेंज है उसकी इतनी रेंज नहीं है वो थोड़ी शो बात मतलब आउट डिफरेंट कार है। मैं मान सकता हूँ किसी के पास है पैसा दिखाने के लिए कि भाई मैं कुछ डिफरेंट चला रहा हूँ बस इसीलिए है वो, और तो मैं ऐसा कुछ लगा नहीं उसमें। कैमरा देखिए कितना क्लियर कैमरा है, झक्कास झक्कास कैमरा। एक बार से इसका बोनेट और पीछे का खोल के देख सकते हो, मस्त है एकदम मस्त ठंडा कर दिया था सही में अंदर ना एकदम, आगे तो कुल्फी बन गई थी मेरी। अरे वाह इसमें ये हाइड्रोलिक नहीं बढ़िया सर। कितना बुकिंग अमाउंट बताया था आपने? 11,000। वो सर टोटली रिफंडेबल है? तमिलनाडु ब्रो लैंड ऑफ सद्गुरु सेफ सॉइल। जगह तो बहुत है सेम R17 है ठीक है जी है। बूट लाइट की थोड़ी बहुत तो इल्यूमिनेशन है ये
रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज वो पीछे आगे की लाइटें का भी नहीं, जगह बहुत है इसमें, आराम से सामान वामान रख सकते हैं, दो तीन बॉडी फिट तो होती ना, आ जाएगी भाई, आ जाएगी डालेगा।